लिए सबसे पहले हम गए लिंक पर और हमने देखा 2018 का है, 2016 का है, 2017 वाला नहीं है, 2019 वाला हमने ओपन किया और सीधा हम आ गए अपने ड्राइव में, इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने में लेना टाइम, तब तक हम 12वीं वाली भी एक कॉपी देख लेते हैं, 12वीं का भी एक देख लेते हैं। 12वीं का पेपर में 100 में से 100 आए इस बच्चे को, ये है, और इसके पेपर को भी ये डायरेक्ट डाउनलोड होगा, टाइम ले रहे, ये भी डाउनलोड हो रहा है। इसी में हम उस बच्चे को देखेंगे कि आखिर उसको रचनात्मक लेखन में पूरे नंबर कैसे मिले। थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, हम 10वीं को ले लेते हैं। नेटवर्क स्लो है, बहुत ऊंचे पहाड़ पर है यहाँ, बद्रीनाथ हमारे नजदीक है, केदारनाथ थोड़ी दूर पर है, बाबा केदारनाथ बाबा बद्रीनाथ, तो यहाँ पे नेटवर्क का कभी कभी हो जाता है। 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5, 3, 2, तो ये कॉपी आ गई किसी बच्चे की, उस जमाने में ऐसा पेपर आ रहा था, 2019 की कॉपी है ना, अभी चेंज आया है। तो ये कौन, बच्चे का नाम क्या है बेटा, आपका नाम क्या है? सर ज्योत्सना। जो इस तरह से मैं बता रहा था कि ऐसे हम लोग करेंगे, ऐसे हम लोग करेंगे इसको, ये पेपर ताकि मैं इसमें लिख भी सकूं, ये लिख सर ये 12वीं वाली पीडीएफ मुझे मिल सकती है क्या? सर बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, उस ब्लॉग पे जाकर ले सकते हैं या फिर मेरे मुझे मैसेज करोगे तो मैं भेज दूंगा। मैंने इसीलिए ये कई दिनों पहले आपको क्या करने से मिल जाएगा? करने से बेटा, सर आपको मैसेज करने से व्हाट्सएप पर? हाँ आप वो मेरे नंबर है आपके पास? सर वो सर ने जो मैसेज भेजा था उसमें था आपका नंबर क्योंकि अभी मैं शायद। यहाँ पे छोटे बच्चों को नंबर दे नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि पेरेंट्स फिर कहेंगे कि सर ने वहां बुलाया और बच्चों को, अगर आपके पास नंबर है ना अपने नंबर पे भेज दो, मेरे ही नंबर है वो, आपके सर ने जो भेजे है ना, सर ने या जी मैम ने। हाँ जी सर। तो ये बेटा आंसर शीट में ये लाइन पाएगी ही, अगर नहीं आए ना तो आप आंसर शीट में इधर लाइन खींच लेंगे, पेपर मिलते ही शुरू के 15 मिनट 10 मिनट जो मिलते हैं उसमें आप ये लाइन खींच लेंगे, और ये आप खंड वाइज उसको लिखेंगे, और प्रश्न भी ऐसे लिखेंगे जैसे ये लिख रखा है, इस बच्चे ने उत्तर एक लिख रखा है, ऐसे ही आप उत्तर एक या प्रश्न एक ऐसे लिख लेंगे, प्रश्न भी लिख सकते हैं या उत्तर भी जो आपको सही लगे। इसके मान लो 4, 5, 6 इसके कुछ भाग हैं, तो यहाँ बच्चे ने लिख दिया, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और आप इधर भी लिख सकते हैं, प्रश्न एक का क, उधर भी लिख दिया और यहां भी। सर सर हम तो मार्जिन के उस तरफ लिखते हैं, लेफ्ट तरफ। हाँ इधर ही तो ये मार्जिन के इधर ही है ना, ये इस तरह से है, तिरता है ना ये, अच्छा इसको मैं जी सीधा सर। सीधा कर लेता हूँ, लो सर तो ऊपर लिखना ज्यादा सही है या सर ये कोने में? लीजिए ये लिखा इधर बेटा, आपका अगर उत्तर सही है तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना बढ़िया लिखा है ना बच्चे ने, देखिए सुंदर लिखा है एकदम, जी सर। तो ये अपने इधर लिखा अपने वो जो भी आपके खंड थे, और फिर आपका प्रश्न नंबर एक था ये, तो आप प्रश्न या उत्तर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, उत्तर एक तक इधर लिख दिया और इधर बच्चे ने कुछ नहीं लिखा और फिर भी पूरे नंबर मिले हैं, यहाँ से पूरे नंबर वाली कॉपी है, ये नंबर नहीं कटा है, इधर भी आप लिखना चाहें तो प्रश्न एक का प लिख दिया, या फिर इसका जैसा जैसा इसने लिखा है, क्योंकि इसको 100 नंबर मिले हैं ना, जी उत्तर सर। एक का ख, टीचर को चेक करने वाले जो भी होंगे उनको कोई कंफ्यूजन नहीं, एक का ख
अंक कहाँ देते हैं, सीबीएसई में जब आप जांच होती है तो अंक यहाँ दिए जाते हैं, ये बच्चे ने यहाँ लिखा है तो यहाँ भी यहाँ अंक दिए जा सकेंगे, इस एरिया में अंक दिए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर भी लिखा जाए लेकिन पूरे अंक मिल रहे हैं तो ये भी अलाउड है। यहाँ लिखा, उसके बाद सारी चीजें हो गई बच्चे की। इधर उस बच्चे ने क्या किया, इधर भी जगह छोड़ रखी है और इधर भी जगह छोड़, इसके बाद ये थोड़ा सा उल्टी कॉपी हो गई, लेकिन सेम चीज है, सेम है ना, समझ आ रहा है ना सर बेटा? इन्होंने सर हर हाँ बताओ। इन्होंने सर इन्होंने हर उत्तर के बाद लाइन खींचा है सर से। क्या, हर उत्तर के बाद लाइन खींचनी है सर क्या, ये इन्होंने हर उत्तर वाली लाइन? जी सर हाँ ये लाइन खींचनी है बेटा। जी सर हाँ नहीं भी खींचते ना तो भी अंक नहीं काटेंगे टीचर्स, लेकिन ये लाइन खींचेंगे तो अलग अलग उत्तर दिखेगा। सुंदर बढ़िया तरीके से बच्चे ने किया है, मतलब अगर आप जी नहीं भी सर खींचता ये बच्चा तो भी, लेकिन नहीं खींचता तो इसका उत्तर और इसका उत्तर अलग अलग नहीं हो पाता, तो लाइन खींचिएगा। जी सर इधर की दो लाइनें हो गई, जी सर बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ा, बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ा, इधर की भी दो लाइनें, माने दोनों तरफ हाशिया छोड़ दिया बच्चे ने, और ये पहला प्रश्न हो जाता है यहाँ पे, पूरा 5 भाग हो गए। अब दूसरा प्रश्न शुरू होता है, और दूसरा प्रश्न बच्चा कैसे शुरू करता है, दूसरा प्रश्न उत्तर दो का क, उसका भी एक भाग है, और सेम चीजें हैं, सेम लाइन है, सेम चीजें हैं, सब कुछ वैसा ही। उसका बाद उसका ख और उसका ग और उसके भी 5 भाग थे। प्रश्न नंबर 2 भी खत्म हो गया, चारों तरफ आप देख ही रहे हैं। फिर प्रश्न नंबर 3 आता है और खंड भी बदल जाता है, तो बच्चे ने खंड क लिखा, उत्तर 3 का क, चेक करने में कोई दिक्कत ही नहीं, 3 का ख 3 का ग, यहां तक ठीक है ना बेटा? इसको बहुत ज्यादा समझाने में अभी परीक्षाएं हैं, जी आपको ही नुकसान होगा, इसलिए हम अब 12वीं क्लास के आंसर शीट देख लेते हैं। 12वीं क्लास की आंसर शीट तो ये हो गई 12वीं की, ये भी उसी तरह दिया है बेटा, आप देखेंगे कि 10वीं का भी वैसे ही था, और ये टॉपर्स की है, ये किन्हीं प्राइवेट का किन्हीं का होगा, इनको बहुत धन्यवाद, हम जिनकी भी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उनको हम धन्यवाद देंगे। और जी सर हाँ तो ये ग उत्तर 8 वाले का उत्तर आ गया, जैसा भी बच्चे ने किया उसका पाठ था क, और इस तरह से लिख दिया, यहां पर भी अगर लिख देता है ना बच्चा तो और अच्छा लगता है, उत्तर 8 का क इधर लिख देता तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने इधर लिखा, ये भी ठीक है, मार्क्स काटने के लिए नहीं होते पेपर चेक करने वाले, मार्क्स देने के लिए होते हैं, ये हमेशा बच्चे को दिमाग में रखना, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना किसी भी चीज का। देखा बेटा ऐसे लिखा, अब इस बच्चे ने सोचेंगे कि इधर उन्होंने हाशिया क्यों नहीं छोड़ा, हाशिया छोड़ा था, जगह छोड़ी थी, लेकिन जिन्होंने भी इसको स्कैन किया होगा ना उन्होंने वो कम कर दिया होगा, इधर तो थी ही चीजें, इधर भी छोड़ना है, सेम जैसा उसमें क्या है वैसा ही। जी सर अभी हम अप्रत्याशित विषय का लेखन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वो मतलब होगा यहाँ पे जो बच्चा पूछ रहा था, ये समझ में आया? जी सर हाँ ये हो गया। अब इसमें हम निबंध देखते हैं कि बच्चे ने कैसा लिखा। लेखक पहले इस तरह के प्रश्न आया था, पत्रकारिता का ऐसे प्रश्न आते थे पहले, बोर्ड में आया हुआ है। तो निश्चित मानदेय पर काम करने वाला कौन सा था ये बताओ, कोई पढ़ रहे थे सारे बच्चे? नहीं,
ये हो गया बेटा निबंध लेखन या अप्रकाशित विषय। तो अब इसका नाम है प्रदेश। अंशकालिक। विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है, इस पर लिखना था, बच्चे ने ऐसे लिखा है, आप देख रहे हैं उसको जी सर। ज्ञान। हाँ उसको ज्ञान बहुत है, आप सर सीखे। तो हाँ बताओ, एक आलेख ये ऐसे लिखा है, सर देख। इसमें हम पहले वो हाँ बताओ, पहले सर प्रस्तावना हेडिंग देकर प्रस्तावना फिर सर बॉडी ऐसे नहीं लिख सकते सर। वो भी ठीक है, उसमें भी नंबर नहीं कटेंगे बेटा, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा, और इसमें भी नंबर नहीं कटते। आप क्या लिख रहे हैं अंदर, आपका वो लिखा जाता है जो आपने विषय वस्तु लिखी है ना, आपने तारतम्य बनाए रखा है क्या, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, उसके अंदर का भाव, वो जो चीज है उसकी हेडिंग, उसका शीर्षक जो है उसके अनुसार आपने वो चीज लिखी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अशुद्ध है, लेकिन छोटी मोटी अशुद्धि के लिए अंक नहीं काटे जाते, बहुत कम अशुद्धि होगी तो अंक नहीं काटे जाते। मतलब बार बार बताया गया कि आपको अंक देने के लिए है टीचर्स, आपके अंक काटने के लिए नहीं, तो इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाए। देखो पहले एक टीचर ने चेक किया, फिर रीचेक कर करते हैं, उन्होंने भी चेक किया, ऐसा नहीं किया कि टीचर ने नंबर दे दिए, फिर ये और ये, फिर फाइनल चेक होता है, बहुत स्टेप के बाद फाइनल मार्कशीट बनती है। और दसवीं का भी ऐसे ही था, अभी दसवीं का हम देख रहे थे उस समय की पेपर क्या बेटा, उस समय के कहा, उस समय के पेपर में जाती आवाज कट गई, उस समय के पेपर में अधिक एमसीक्यू नहीं थे। उस समय एमसीक्यू नहीं चला करते थे, ज्यादा क्या थे ही नहीं। ये देखिए ये 10वीं क्लास के बच्चों का है, जिसमें 5 नंबर मिले। पूछे महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा, प्रस्तावना की बात कर रहे थे आप, जीवन शैली, कामकाजी महिलाओं की समस्या, सुरक्षा में कमी के कारण और उपसंहार, यही बात कर रहे थे। हाँ ये मिल गया हमें, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मैं बार बार चौथी बार दोहरा रहा हूँ ये बात कि आपके नंबर काटने के लिए टीचर्स वहां नहीं है, आप किसी भी तरीके से किसी भी शैली में लिखिए, आपने अच्छा लिखा है तो पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छा माने आपकी विषय वस्तु अच्छी है, आपको उस विषय का अच्छा ज्ञान है, आपका प्रस्तुतिकरण ठीक है, तो छुटपुट गलतियां ध्यान नहीं दी जाती, बहुत छोटी गलतियां जो होती है वो नहीं ध्यान दी जाती। ये देखिए बच्चे ने कितना बढ़िया लिखा है, जी सर। और जो आप कहना चाह रहे थे वो इसमें मिल गया है, उसमें वैसा था तो भी नंबर मिले, ऐसा था जी पर भी सर। अपने पास 5-6 है, वो आपको, आप मेरे ब्लॉग पे सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आपके नंबर है ही मेरे आपके पास, आपके टीचर ने दे रखे हैं, आपके टीचर ने अगर नंबर दे रखे हैं तो जी आप सर। मैसेज कर सकते हैं अपने टीचर से, पेरेंट्स से पूछ कर मैसेज करना होता है किसी भी अनजान व्यक्ति को, तो आप पूछ कर करिए, मैं अनजान हूँ आप लोगों के लिए, तो पूछ कर करिएगा कि मम्मी या पापा मैं सर पे मैसेज कर रही हूँ, तब जाके करिएगा। ये हो गए जी चीजें, अभी और एक बच्चा भी कुछ पूछ रहा था, बस आप अकेले बाकी हैं, बाकी चले गए सारे, पत्र अपने सिलेबस में है नहीं, पत्र है 10वीं के सिलेबस में, तो 10वीं वाले बच्चों को भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये उनको भी मैं भेज दूंगा। बेटा अगर पत्र करना है तो पत्र ऐसे करना है, ये देखिए 10वीं के बच्चों को हम बता, और इस तरह से आपका होता है। धन्यवाद सर। ये आपका आ गया लेखन है, विज्ञापन लेखन है, इस तरह से हम कर सकते हैं अपना पेपर। बहुत धन्यवाद बेटा।